ये क्या किया तूने आकाश? आकाश, आज तुमने दुनिया का सबसे ओछा काम किया है। तुमने जुए में नंदिनी को दाव पे लगा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। आज तुम खुद अपने नजरों से गिर चुके हो। अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। सुमित्रा चाची, मिस्टर शर्मा की तरफ से आपसे और नंदिनी से माफी मांगती हूँ। वो ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है सच में। चाची जी, आकाश तूने तो आज भारद्वाज खानदान का सर झुका दिया है। माना तुझे नंदिनी नहीं पसंद, लेकिन एक लड़की को इस तरह से जुए में दांव पे लगाना बहुत ही बड़ा और घिनौना अपराध है। मैं ऐसा नहीं कर सकता दादी। मैं घर तो दिया तूने, सब खराब कर दिया आकाश। अंग्रेजी ने तो हमारे गैरों को रहने दो। तुम तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं हो, पर आप अपनी बात तो सुनिए। अंग्रेजी ने नंदिनी के साथ तुम्हारी शादी करा के, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम नंदिनी के लायक ही नहीं हो। तुम भक्ति के भेष में जल्लाद हो। नील नहीं होता तो पता नहीं नंदिनी का क्या हो गया होता। दादी अपनी बात सुनिए, अंग्रेजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई गलती हुई है उनसे। देख लो, जिस पत्नी को तुमने दांव पे लगा दिया आज वही तुम्हारी तरफदारी कर रही है। नशे में सिर्फ इंसान नहीं गिरता, उसका सम्मान भी गिर जाता है। और आज तुम मेरे नजरों में गिर चुके हो। हम तुम्हें कभी माफी नहीं दे सकते। समझता क्या है खुद को? जब नहीं संभलती पत्नी तो छोड़ देना, मैं कर लूंगा शादी। Let me be your lover, let me be your lover.
क्या कहा तुमने? वही जो तूने सुना। तुझे इंसान की कदर करना तो आता नहीं। तू नंदिनी के लायक है ही नहीं। क्या बोला तूने? अग्रजी रुकिए, रुकिए। भगवान के लिए हमने ले लड़ना बंद कीजिए आप लोग। अंग्रेजी हीरो ने हमें दांव पर नहीं लगाया था। उन्होंने मुझे गलती से हुआ है। किस मिट्टी की बनी हो नंदिनी तुम? कब तक इसकी गलतियों को अपने अच्छाई के पीछे छुपाती रहोगी? याद रखो, जब तक अपनी आवाज खुद नहीं उठाओगी तब तक दुनिया में कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। पता नहीं तुम्हारा क्या ही होगा। देव, देव। नील, नील। मां मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुझे बात करनी पड़ेगी नील। मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। समझा दे अपने इस लाडले को, कहीं ये उस चंटो मैया के प्यार के चक्कर में पड़ गया ना तो हम तुम दोनों का गला दबा देंगे। आकाश, नशा से दुर्दशा होता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा ये गलती तुम नहीं करोगे, क्योंकि इसके बाद हम तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दादी, रुक, रुक। तुमने आंसू भी मेरी वजह से झेला, उसके लिए हम सॉरी दादी। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे, लेकिन मेरे यकीन करो ना, मैं तुम्हारे बारे में इतना गलत नहीं सोचता, यकीन करो मेरे। मेरे जीरो, हमें आप पर पूरा यकीन है। नशे में पर आप अपने बारे में पूरा नहीं सोच सकते, जानते हम। तुम बहुत प्यारी हो नर्मी, बहुत भोली हो। तुम्हें पता मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगा हूं, अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे।
अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। सूरज चमके गगन में जब तक तन में जान हो बाकी तब तक छोड़ के मुझको दूर न जाना वादा किया तो दिल से निभाना सजना मेरी बातें तुम तक तुम तक तुम तक होठों पे चक्कर आ रहे हैं। अब चलिए आराम कीजिए। करने लगा अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। जो अपना जमी नशे में गए काश किसी दिन अब हमें वो होश में भी गए। लक्ष्मी मात की जय। सदा सुख। मैंने इस कपूर में बेहोशी का पाउडर मिला दिया है। जैसे ही इसे सब सूंघेंगे सब बेहोश हो जाएंगे और फिर हम मूर्ति की अदला बदली करेंगे। हम माला माल हो जाएंगे सब सुनो। दादी हो कल जो भी किया मैंने उसके लिए हम सॉरी दादी। तुम्हारे कल की गलती माफी के लायक नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है और हो सकता है ये पछतावा तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाए। जाओ माफ कर दिया आरती ले लो। जीते रहो। हम अभी आते हैं।
ही देर में आते होंगे। अब पूरे पैसे तो लेकर आए हैं। हाँ देखिए पूरे दो बैग भर के पैसे लाए हैं। लेकिन ये पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप ये मूर्ति हमारी गाड़ी तक पहुंचा देंगे। उसमें क्या है, चलिए मूर्ति उठाइए लेके चलिए गाड़ी तक। कमिया, चंडू मैया तो अकेली मूर्ति उठा के लेके आई थी और यहाँ ये दो मुश्तंडे हाथ लगा रहे हैं लेकिन मूर्ति तो हिली नहीं रही। कहीं इस मूर्ति में कोई देवी शक्ति तो नहीं कि जिसके पास ये शक्ति होगी वही इस मूर्ति को उठा पाएगा। इसका मतलब वो शक्ति चंडू मैया के पास थी। अरे चल कमिया, चंडू मैया को लेके आते। चल कमिया। चुपचाप होकर जो हम कहते हैं। पर करना क्या है बड़ी दादी? ये मूर्ति को उठाकर बाहर गाड़ी में रख दे। हम ये पाप नहीं करेंगे। आप ये पाप अपने सर पर मत लीजिए। सब बोलते करती जा। छोड़िए भगवान। जब कर हाथ तोड़ देंगे तेरा। आप हमारे हाथ नहीं तोड़ दीजिए। पूरा का पूरा शरीर और अपनी पाप नहीं करेंगे। अरे हड्डी तोड़ देंगे कैसे नहीं करेगी। अरे सासू बस कीजिए, आप अगर उसका हाथ ही तोड़ देंगी तो वो मूर्ति कैसे उठाएगी। अरे वैसे भी तो उसने मना कर दिया मूर्ति उठाने से। अच्छा ये इसका हाथ टूट जाए। अरे अब मूर्ति उठाने के लिए इसका हाथ मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपनी प्यारी दादी माँ को खोना नहीं चाहती ना तो चुपचाप हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। दादी माँ से पढ़कर अपने लिए कुछ चाहिए। आप जैसा बोलेंगे मैं करेंगे, पर दादी माँ को छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए ना सिर्फ मूर्ति उठा के गाड़ी में चलो। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। ये मत कीजिए ऐसा। और गलत करूं? चल देवी माँ हमें माफ करना। दादी माँ के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अरे हमसे तो मूर्ति हिली भी नहीं और इस अकेले में मूर्ति उठा ले। चल चल आप लोगों को इस करने का फल जरूर मिलेगा।
देवी माँ का अपमान करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। चल जल्दी। देवी माँ, हम इस तरह से आपको घर से नहीं भेजना चाहते थे। वह चमत्कार दिखाई, कुछ कीजिए देवी माँ। रुको! इस मूर्ति की खोज हमने की है, ये हमारी मूर्ति लाओ। मूर्ति हमारी है, हमने। अरे ये हमारी मूर्ति है, हमने खोज की है। अरे हमने खरीदा इसको। मैं खरीदा इसको, हम लेके जाएंगे हमारी मूर्ति। अरे हमारी मूर्ति 25 लाख रुपए दिए इसके लिए। मत कर, सीधे सीधे बता मूर्ति कहाँ है। बड़ी दादी सीधा सीधा ही तो बोल रहे, हमें नहीं पता मूर्ति कहाँ चली गई। मूर्ति गायब हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? दादी माँ। अरे क्या हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए बुलाया था हमको? आपकी बेवकूफी के चक्कर में आज हमको खाली हाथ जाना पड़ेगा यहाँ से। दादी माँ, ये लोग मूर्ति का सौदा करने आए थे और तो मूर्ति भी गायब हो गई। अच्छा, अब हमें समझ में आया। आपने कोई नशीली चीज मिलाई ताकि हम बेहोश हो जाए और फिर आप मूर्ति चोरी कर सके। जेठानी जी, आप हमारे साथ दगाबाजी करती है समझ में आता है, लेकिन आप लक्ष्मी माँ के साथ दगाबाजी कर रही हैं। आप उनको बेचना चाहती थी। अब देखिए, लक्ष्मी माँ की मूर्ति खुद ब खुद गायब हो गई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट from Nazara.